पीछे मेरे है खानपुर शेड और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू एन अदर ब्लॉग। आज फिर एक नई जर्नी का आगाज़ हो रहा है और पीछे मेरे 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का रोड़ी से डिपार्चर हो रहा है और ये खड़ी है हमारी गाड़ी। तो इस गाड़ी के डिपार्चर के बाद हम चलेंगे, लेकिन एक सप्लाइंग पावर मतलब डेड इंजन आया है, वो डेड इंजन भी हमारी गाड़ी में अटैच होगा, उसकी अटैचमेंट भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम यहाँ से हमारा डिपार्चर होगा और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। आज हम जाएंगे अप साइड पर, अप साइड मतलब खानपुर तक की गाड़ी है ये, तो रोड़ी से लेके खानपुर तक ये गाड़ी वर्क करेंगे। तो देखते हैं जहाँ पे हमारा स्टाफ हुआ तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे मज़ीद बात भी होगी और आपको अभी ये डेड इंजन जो आता है इसकी अटैचमेंट दिखाते हैं। अच्छा भाई, प्रोग्राम मेरे ख्याल से चेंज हो गया है डेड इंजन का, तो डेड इंजन तो अभी तक आया नहीं है और हमारा सिग्नल डाउन हो चुका है, तो हम यहाँ से डिपार्चर करेंगे और आगे चल के बात होती है। ये हमारा हो गया सिग्नल डाउन। जी, हमें अब मंडो स्टेशन पर रोक दिया गया है और अब आ रही है 13 अप। उसका क्रास ड्यू था, वो पीछे पीछे थी तो उसको यहाँ क्रास करवाना है, तो आइए एक न्यू एंगल से उसका एक्शन रिकॉर्ड करें। के नेक्स्ट स्टेशन पे अराइवल के बाद हमारी गाड़ी को मंडो डेरो से चला दिया गया। अब अंधेरे छा रहे हैं और सूरज गुरूब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, सीन कुछ ऐसे हैं कि हम पहुंचे थे रात को 12 बजे, तो उस टाइम अंधेरा हुआ हुआ था, तो उस टाइम ना बात कर सक रहे थे और ना ही तस्वीर खींचने तक का यानी लाइट नहीं थी, लाइट बहुत कम थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाता हूं मैं हमारे खानपुर रनिंग रूम से लेके खानपुर शेड तक के दरमियान जो रास्ता है। मुझे ये रास्ता बड़ा पसंद है क्योंकि दोनों तरफ बहुत से दरख्त और बहुत से पौधे हैं। खानपुर स्टेशन का, खानपुर शेड और खानपुर रनिंग रूम का इंशाल्लाह ताला एक तफसीली व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो सिर्फ इसी छोटे से व्यू से आप इक्तफा करें। पीछे मेरे है खानपुर शेड और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने, उसके बाद हमारी गाड़ी भी आने वाली है। नान छोलों का नाश्ता सुना है अच्छा होता है यहाँ पे, तो वो नाश्ते करने का प्रोग्राम है। उसके बाद गाड़ी आएगी, गाड़ी वर्क करेंगे वापस रोड़ी तक। नाश्ता करके अब हम स्टेशन पे आ चुके हैं, गाड़ी हमारी आने वाली है, तो जैसे ही गाड़ी आती है उसका चार्ज लेते हैं और फिर आगे मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और फिर आपसे बात भी करते हैं, तो रहिए हमारे साथ। जी गाइस, गाड़ी हमारी आ गई, हमने चार्ज वाला लिया और चार्ज लेने के बाद मौका नहीं मिला, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था, तो गाड़ी अब हमारी रोड़ी की तरफ रवा दवा हो चुकी है।
अच्छा जी, आज जी वह हमारा अराइवल हो गया है और रास्ते में कोई भी जिस तरह का ओपन मार्जिन था और किसी भी मेल गाड़ी का टाइम नहीं था, तो इसलिए हमें किसी गाड़ी ने ओवरटेक नहीं किया और आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये कि अब हम रोड़ी पहुंच गए, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, बादल हुए हुए, रास्ते में एक दो जगह बारिश भी मिली, लेकिन गाड़ी चूँकि चल रही थी तो उस टाइम मुनासिब भी नहीं लगा और सही भी नहीं है उस टाइम वीडियो बनाना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।